नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में न्यूमेरिकल करेंगे। ये न्यूमेरिकल 2018 में आईआईटी जैम एग्जाम में पूछा गया है। आईआईटी जैम ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है। सेक्शन बी एमएस क्यू मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस मीन्स यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। सेक्शन बी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आईआईटी जैम में। द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू साइन टू एक्स की पावर साइन टू एक्स इन टू वाई की पावर 1/3 सेटिस्फाई इनिशियल कंडीशन वाई जीरो इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हमसे सोल्यूशन पूछ रहा है। सोल्यूशन किस इक्वेशन का पूछ रहा है वह हमसे डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू साइन टू एक्स इन टू वाई की पावर 1/3। आइए सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो डी वाई ओवर क्या हो गया, वाई की पावर 1/3 और साइन टू एक्स वाई की पावर 1/3 लिख सकते हैं इसको, डी वाई साइन टू एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट कर देते तो दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉन्स्टेंट ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो गया यहाँ पे 3/2 वाई की पावर 2/3 इक्वल टू माइनस के कोस टू एक्स बाय 2 प्लस सी। सी बाई टू ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे दो एल्सियम लेके यहाँ पे कट कर सकते हैं। तो क्या हो गया, हमें क्या मिल गया 3y की पावर 2/3 माइनस इक्वल टू माइनस कोस टू एक्स प्लस सी। टू कॉमन लेके यहाँ से कट के, इसलिए हमने यहाँ पे सी की जगह सी बाई टू ऐड किया है कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या आया, जनरल सोल्यूशन आया। हमें क्या किया, इनिशियली कंडीशन दी हुई है वाई जीरो इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे इन b, सपोज दिस द इक्वेशन b। अब यहाँ से b की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हो गया 3 इंटू, हमें यहाँ पे क्या मिला 3 इंटू 0 इक्वल टू माइनस के कोस 0 प्लस के c। कोस 0 क्या होता है 1, तो c इक्वल टू क्या आ गया 1, इस द माइनस 1 लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो 1 आ जाएगा। सी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास जो पर्टिकुलर सोल्यूशन आया वो हमारे पास क्या आ गया प्लस 1 जिसका सी, और जिसका पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हमें यहाँ पे सोल्यूशन क्या होगा, वाई ए वाई इक्वल टू समथिंग, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे 2/3 ये फॉर्मूला हम यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये आपको फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने कोस टू एक्स का फॉर्मूला ओपन किया है, तो माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो वाई की पावर 2/3 इक्वल टू क्या आ गया 2/3 साइन स्क्वायर एक्स। हमें क्या चाहिए, हमें तो वाई एक्स चाहिए, तो यहाँ पे दोनों साइड में 3/2 से पावर्स मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स हमें यहाँ पे क्या बनाना है, ओनली वाई बनाना है। तो दी मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3/2 कर देता हूँ, और यहाँ पे भी क्या करता हूँ 3/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2/3 की पावर 3/2 इंटू साइन स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो वाई इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 8.27 इंटू साइन क्यूब एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा, वो भी प्लस माइनस क्योंकि स्क्वायर रूट लिया हमने, ठीक है। हमने क्या लिया, स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो वैल्यू क्या आएगी, वाई की वैल्यू आएगी हमारे पास प्लस रूट 8/27 इंटू साइन क्यूब एक्स, और वाई की वैल्यू क्या आएगी माइनस 8/27 साइन क्यूब एक्स। मीन्स ऑप्शन बी एंड सी करेक्ट हो गए हैं। अभी हम फर्स्ट कंडीशन को चेक करते हैं, ऑप्शन डी तो नहीं होगा, ठीक है। अभी वाई एक्स इक्वल टू जीरो ये हमें इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। वाई एक्स इक्वल टू जीरो क्या कर रहा है, सोल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी ठीक होगा, मीन्स हमारा ए ऑप्शन भी ठीक है। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, ए बी एंड सी हमारे पास क्या आ गया, राइट आंसर आ गया, राइट आंसर, ठीक है। ये तीसरा ऑप्शन
सिर्फ वैल्यू पुट किए और सेटिस्फाई करा, ठीक है। दो सोल्यूशन हमें यहाँ से मिले और एक सोल्यूशन हमें ये इनिशियली कंडीशन, इनिशियली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे तीनों ऑप्शन को टिक कर सकते हो। आसान क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट किया है, वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेशन इंटीग्रेट किया है, जनरल सोल्यूशन हमें मिला है। जनरल सोल्यूशन में हमें जनरल सोल्यूशन को हमने किस में कन्वर्ट किया, पर्टिकुलर सोल्यूशन में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ इनिशियल कंडीशन y0 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें सी की वैल्यू वन मिल गई और सी की वैल्यू वन मिली, हमने उसको इक्वेशन बी में पुट किया। तो हमारे पास यहाँ पे थ्री वाई की पावर टू बाई थ्री समथिंग आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें y चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड में थ्री बाई टू पावर किया, तो वहाँ से हमें y की वैल्यू दो वैल्यू मिली, एक प्लस में और एक माइनस में। और जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इनिशियली डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो वो भी एक सोल्यूशन होगा। तो हमारे पास ए बी सी तीन राइट आंसर आ गए हैं। थैंक यू वेरी मच।